बॉलीवुड के टॉप 10 अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की चौंकाने वाली बुरी आदतें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रद्धा कपूर से, जो आजकल बहुत चर्चा में नजर आ रही हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा कपूर की सबसे बुरी आदत है ड्रग्स कंज्यूम करना। जी हाँ, जिसके चलते आजकल श्रद्धा कपूर मीडिया में छाई हुई हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रद्धा कपूर इनोसेंट है या फिर नहीं, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड की एक और ब्यूटी क्वीन करीना कपूर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना कपूर को अपने नाखूनों को चबाने की बहुत बुरी आदत है और वो अक्सर पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ तक कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी नाखून चबाते हुए कैमरे में कैद हो जाती है। 36 साल की उम्र में भी करीना कपूर की ये आदत आज तक नहीं छूट पाई है। वैसे ये आदत बच्चों में होती है, लगता है इनका बचपना अभी तक नहीं गया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है शाहरुख खान का। एक दौर में शाहरुख खान फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से खबरों में रहते थे। शाहरुख की सबसे बुरी आदत ये है कि कुछ भी हो जाए ये एक जूता पहनने के बाद कभी भी नहीं उतारते हैं। जी हाँ, इसके पीछे की वजह है उनके पैरों से आने वाली भयंकर बदबू। इसके अलावा शाहरुख खान को वीडियो गेम का भी बहुत शौक है। इनके पास 20 से ज्यादा हाईटेक वीडियो गेम्स हैं। वो अक्सर सेलिब्रिटीज से शर्त लगाकर गेम खेलते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की। तो दोस्तों, सलमान खान की बुरी आदत भी उनकी तरह ही बिल्कुल अनोखी है। सलमान को खुशबू वाले साबुन इकट्ठा करने का बहुत शौक है और उनके पास दुनिया के सबसे महंगे से महंगे साबुन है। वो जब भी विदेश घूमने जाते हैं तो साबुन की खरीदारी करते हैं। उनके पास 1000 साबुन का कलेक्शन है। इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम शामिल है। प्रियंका को आपने हमेशा स्टाइलिश ड्रेस में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके शूज पे गौर किया है? प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सबसे महंगे शूज पहनती हैं। उनके पास 2000 से भी ज्यादा शूज की रेंज है, जिसकी कीमत आए हाय हाय अरबों में है यार। बॉलीवुड में आपने अक्सर चैन स्मोकर एक्टर देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको यहाँ सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले एक्ट्रेस का नाम पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बॉलीवुड की सबसे संस्कारी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को सिगरेट पीने की काफी गंदी आदत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे छुटकारा नहीं पा पाई। वो दिन में 10 से 12 सिगरेट पीती है। अमिताभ बच्चन की तो क्या ही बात करें, वो अपने नाम की तरह ही अनोखे हैं। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन दोनों हाथों से लिख लेते हैं, वो भी स्पीड के साथ? जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे 3 Idiots में जो कॉलेज के प्रोफेसर थे ना, वमन ईरानी, वो लिखते थे दोनों हाथों से। अब बताइए भला, ये हुई ना अनोखी और टैलेंटेड आदत। लेकिन अमिताभ की ये सिर्फ अकेली अनोखी आदत नहीं है। इसके अलावा अमिताभ एक हाथ में दो दो घड़ी पहनते हैं। इन्हें अक्सर दो घड़ी के साथ देखा जाता है। आमिर खान को देखकर आपके दिमाग में संस्कारी एक्टर की छवि बन जाती है ना? एक ऐसा एक्टर जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। लेकिन आपको पता है कि आमिर सेट पर बहुत ही प्रैंक करते हैं, अरे मस्ती हो रहे हैं जमकर। एक बार तो इन्होंने माधुरी के हाथ पर भी थूक दिया था। अब बताइए भला, ये है संस्कारी एक्टर? जो भी एक्टर उनके साथ काम करता है वो उनकी इन आदतों से बहुत परेशान रहता है। लेकिन भाई, बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट हैं ये, अब इन्हें कोई क्या ही कुछ बोलेगा। बॉलीवुड की क्यूट गर्ल आलिया भट्ट यंगस्टर की फेवरेट स्टार हैं। लेकिन क्या आपको अपने इस फेवरेट स्टार की एक अजीब आदत के बारे में पता है? आलिया भट्ट को मेंस परफ्यूम का बहुत शौक है। आपको उनके घर पर विमेन से ज्यादा मेंस परफ्यूम का कलेक्शन मिलेगा। जब भी आलिया घर पर होती हैं तो वो अपने ऊपर इसी परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के एनर्जेटिक मैन यानी कि रणवीर सिंह की। तो दोस्तों, रणवीर खुद ही खुलासा कर चुके हैं कि उन्होंने 14 साल की उम्र से ही डेटिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्हें विदेशी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन वो जब से दीपिका के प्यार में पड़े हैं तो उनकी ये आदत छूट गई है। अब देखिए, आदत छूट गई है या उन्होंने छोड़ दी है, दोनों में अंतर है। अब रणवीर सिंह सबसे ज्यादा खाने पीने का शौक रखते हैं। अब जब भी वो घर पे होते हैं तो हर घंटे कुछ ना कुछ नया खाते हैं। अब बात करते हैं सनी लियोनी की। सनी लियोनी की आदत इन सभी एक्टर्स में से काफी अजीब है। अब आप बोलेंगे कि सनी लियोनी भी काफी अलग है, तो इनकी आदत भी काफी अलग होगी। अरे जरा रुकिए रुकिए, अपने दिमाग को जरा काबू में रखिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं मुद्दे पे। अब क्या आपको पता है कि सनी को हर 15 मिनट में पैर धोने की आदत है?
शूटिंग के दौरान सनी ऐसा ही करती हैं। जी हाँ, इसी वजह से उनकी फिल्मों की शूटिंग अक्सर लेट हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद भी सनी अपनी ये आदत नहीं छोड़ पाई है। अब अंत में बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण की बुरी आदत है ड्रग्स कंज्यूम करना, जिसके चलते आजकल वो हर रोज एनसीबी के ऑफिस के चक्कर काट रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे दोस्तों, आपको कैसी लगी इन एक्टर्स की अजीबोगरीब आदतें, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।